बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शिमला मंडी और सिरमौर जिलों का शानदार प्रदर्शन, 7 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। कृषि विकास के लिए जायका परियोजना का प्रदेश के सभी जिलों में होगा विस्तार, केंद्र सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। जल शक्ति अभियान के तहत सिरमौर जिले में पंचायत स्तर तक चलेगा जागरूकता अभियान, प्रशासन ने लोगों से मांगा सहयोग। शिमला भाजपा मंडल ने संगठन को मजबूत करने के लिए अनाडेल में किया सदस्यता अभियान व संगठन पर्व का आयोजन। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों ने बिखेरे रंग, दिव्यांग युवक युवतियों द्वारा व्हील चेयर पर किया गया नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र। बरसात के मौसम के साथ ही सोलन में बढ़े डेंगू के मामले, स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए कसी कमर। श्रावण मास का आज दूसरा सोमवार, इस अवसर पर नाहन की महिलाओं ने किया शिव पुराण का आयोजन। मंडी जिले में पिछले दिनों चले विशेष अभियान के दौरान रोपे गए 3,70,000 से अधिक पौधे, जिले के 110 स्थानों पर हुआ पौधरोपण। बिलासपुर जिले में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के भरे जाएंगे 9 पद, पात्र महिलाएं 5 अगस्त तक कर सकती हैं आवेदन। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय, मौसम विभाग ने 30 व 31 जुलाई को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी की जारी।